The bill as amended is passed by the requisite majority in accordance with the provisions of Article 368 of the Constitution. हिंदुस्तान की सियासत का ऐतिहासिक दिन। लोकसभा ने जैसे ही भारी बहुमत से सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को नौकरियों में आरक्षण का संविधान संशोधन प्रस्ताव पर मुहर लगाई, कई शहरों में जश्न छा गया। लोकसभा से तो विधेयक को मंजूरी मिल गई, लेकिन अब सरकार की असली परीक्षा राज्यसभा में है, जहां आज 2 बजे इसे चर्चा के लिए रखा जाएगा और वहां पता चलेगा कि इस बिल को राज्यसभा से पास कराने में क्या दिक्कतें आती हैं। लेकिन सरकार को यकीन है कि वो ऐसा कर पाएगी। इससे पहले मंगलवार को देर रात तक चली संसद में वोटिंग से पहले लोकसभा में सवर्ण आरक्षण के लिए लाए गए 124वें संविधान संशोधन विधेयक पर 5 घंटे लंबी बहस हुई। विधेयक पर जब वोटिंग हुई तो इसके समर्थन में 323 वोट पड़े, जबकि महज 3 सांसदों ने इसके खिलाफ मतदान किया। कुल 326 सांसदों ने मतदान किया था। बिल में सभी संशोधनों को बहुमत से मंजूरी दे दी गई। मुझे खुशी है कि आज ऐतिहासिक दिन 8 जनवरी 2019 को समाज के उस वंचित वर्ग को जो गरीब हैं आर्थिक दृष्टि से, उन्हें आरक्षण मोदी जी ने दी है। मोदी जी का नारा था सबका साथ सबका विकास। उन्होंने पहले ओबीसी को कानूनी ताकत दी, 3 तलाक लाया, अब जो 72 साल से नजर गड़ाए थे कि कोई राजनीतिक दल हमारी गरीबी को तो देखे, हमें भी न्याय मिले। मोदी जी ने 4.5 वर्षों में जो ऐतिहासिक निर्णय किए हैं, जिन निर्णयों के कारण देश में गैर बराबरी समाप्त हो रही है, गरीबी लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, उस दिशा में मोदी जी के बढ़ने का साहस है तो वो इस दिशा में भी बढ़े, और उनके पुरुषार्थ और साहस के कारण यह निश्चित रूप से बिल आज लोकसभा में पारित हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने सवर्णों का कोटा बिल पास होने को ऐतिहासिक घटनाक्रम बताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस कदम को ऐतिहासिक बताया। हम सबका साथ सबका विकास की नीति पर पूरी तरह कटिबद्ध हैं। ये हमारी सुनिश्चित करने की कोशिश है कि हर गरीब, चाहे वो किसी भी जाति या संप्रदाय का हो, वो गरिमापूर्ण जिंदगी जिए और उसे सभी संभव अवसरों का लाभ मिले। उन्होंने कहा ना, ऑल वेल दैट एंड्स वेल, मुझे बहुत आज संतोष मिल रहा है। पूरा दिन अच्छी चर्चा चली, सबने बहुत अच्छा सहयोग दिया। सवाल आखिरी दिन या पहले दिन का नहीं होता, सवाल करने का होता है और वो आज कर दिखाया है, दैट इज समथिंग। अब सबको उम्मीद है कि सरकार इसे राज्यसभा में भी आसानी से पास करा लेगी। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि राज्यसभा में भी यह पारित होगा। राज्यसभा में भी संविधान संशोधन विधेयक 2019 भारी बहुमत से पारित होगा। आज आपने और हमने सबने देखा कि लोकसभा ने लगभग सर्वानुमति से सभी माननीय सांसदों ने और सभी राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन किया है, और उसी प्रकार का परिदृश्य कल राज्यसभा में भी होगा। विपक्षियों ने भले ही इस बिल का पहले विरोध किया हो, लेकिन लोकसभा से निकलते हुए राहुल गांधी ये बताने के लिए काफी थे कि कांग्रेस अब इस मामले पर बैकफुट पर आ गई है। कांग्रेस पार्टी तो इसके लिए हमेशा संकल्पित थी, बल्कि 2014 लोकसभा का चुनाव हुआ था तो घोषणा पत्र उसमें भी इसका उल्लेख विशेष रूप से किया गया था। तो हमने जो प्रस्ताव सरकार लेके आई, अमेंडमेंट लेके आई संविधान संशोधन, उसका समर्थन किया है। बता दें, राज्यसभा में सांसदों की मौजूद संख्या 244 है। बिल पारित कराने के लिए 2/3 सांसदों यानी 163 वोटों की जरूरत होगी। बीजेपी 73 समेत एनडीए के 89 सांसद हैं। कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, एनसीपी और आपने इसका सैद्धांतिक रूप से समर्थन किया है। अगर ये सारी पार्टियां वोटिंग में शामिल हुई
तो बिल के समर्थन में जरूरी 163 वोट हासिल हो जाएंगे। मतलब साफ है, बुधवार को अगर केंद्र की मोदी सरकार इसे राज्यसभा में पास कराने में सफल रहती है तो ये कदम 2019 चुनावों के लिहाज से बीजेपी के लिए काफी फायदेमंद रहेगा, खासकर ऐसे समय में जब वो 2018 के विधानसभा चुनावों की हार से खुद बैकफुट पर आ गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।